नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आपके पास वाईफाई यानी कि ब्रॉडबैंड सर्विस है एंड अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अदर जो भी यूपीआई एप्स है उसमें से रिचार्ज करना चाहते हो एंड जो आप बिल्कुल घर बैठे करना चाहते हो विद रिवार्ड्स, तो आप जो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा एंड आपके पास लाइव रिचार्ज करके बताऊंगा यानी कि बिल पेमेंट करके बताऊंगा। इसे वीडियो शुरू करते हैं एंड मेक श्योर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, आपका ब्रॉडबैंड में जो क्लाइंट आईडी यानी कस्टमर आईडी है आपको यहाँ पे लिख के रखना है या तो फिर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्लाइंट आईडी कैसे ढूंढेंगे आप? क्लाइंट आईडी जो आपको यहाँ पे मैसेज में मिल जाएगा रिचार्ज से पहले या तो फिर आप जिससे कनेक्शन लेके रखे हो उसको पूछने से आपको बता देगा कि क्लाइंट आईडी क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए मैं सबसे पहले दिखा दूँ आपको गूगल पे में कैसे करना है। गूगल पे आपको ओपन कर लेना है। तो गूगल पे ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बिल, रिचार्ज सभी ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे रिचार्ज में नहीं मिलेगा, बिल पे जाना है। बिल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे डीटीएच, केबल, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट पेड, मोबाइल, गूगल पे एंड ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन। तो मेरे पास जो एलायंस का ब्रॉडबैंड सर्विस है तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड में क्लिक करूँगा एंड आपको जो भी जिसका भी कनेक्शन है, जैसे मेरे पास एलायंस का है तो यहाँ पे एलायंस सिलेक्ट कर लूँगा एंड अगर आपको दूसरा कोई है तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, बहुत सारा है एंड यहाँ पे अलायंस ब्रॉडबैंड में क्लिक करूँगा एंड सिंपल देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पे अभी आपको कस्टमर आईडी यानी क्लाइंट आईडी डाल देना है एंड यहाँ पे अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आपको जिसके नाम पे है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने क्लाइंट आईडी एंड नाम डाल दिया, सिंपली लिंक्ड अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो भी पेमेंट ड्यू है यानी कि अगर एक दो दिन में होगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखिए अकाउंट होल्डर नेम आ गया, क्लाइंट आईडी आ गया, कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नेम, तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना रुपीस ड्यू है एंड कौन सी डेट में है। जैसे मेरा ड्यू है 12 तारीख को, आज है 10 तारीख, तो यहाँ पे आप पे बिल कर सकते हो। यहाँ पे बिल पे क्लिक करना है सिंपली एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप दूसरा बैंक भी ऐड करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए पे 472, मेरा 472 का प्लान है, आपको यहाँ पे पे कर देना है। उसके बाद आपके पास जो पिन डाल देना है आपको पे कर देना है। साथ साथ आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपको अगर फोन पे या पेटीएम में करना चाहते हो तो यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करना है एंड देन देखिए यहाँ पे रिचार्ज एंड पे बिल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एंड यहाँ पे आपको देखिए लैंडलाइन ब्रॉडबैंड इसके ऊपर क्लिक करना है एंड सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे आपका जो है सिलेक्ट कर लेना है कौन सी ब्रॉडबैंड है। जैसे मेरा एलायंस है, आप चाहे तो दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं गूगल पे में दिखाया एंड उसके बाद अलायंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अगेन कस्टमर आईडी डालूंगा एंड गेट बिल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे नाम डालने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा एंड यहाँ पे अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो प्रोसेस टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप पिन डाल के कर सकते हो। सेम आपको फोन पे में भी ऐसे ही मिलेगा ऑप्शन, तो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं एंड साथ साथ आपको बता दूँ अगर आप वेबसाइट से थ्रू करना चाहते हो, जैसे मेरा अलायंस का है तो यहाँ पे alliance.co.in, देखिए जैसे मेरा अलायंस का है तो अलायंस ब्रॉडबैंड सर्च कर लूँगा एंड आपको यहाँ पे अलायंस का जो वेबसाइट खुल जाएगा alliancebroadband.co.in इसके ऊपर क्लिक करना है एंड सिंपल सा प्रोसीजर सेम आप फोन पे गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा क्विक रिचार्ज, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कस्टमर आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, आईडी डाल देना है एंड यहाँ पे जो कैप्चा है इसको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे देखिए आपका जो क्लाइंट आईडी है, फुल नेम, स्टेटस आपको दिखा देगा, साथों साथ कितना रुपए का पैक है आप रिचार्ज कर सकते हो एंड अगर आप पैकेज अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपग्रेड करके पे कर सकते हो। सिंपली आप पे में क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे पे सिलेक्ट मेथड करना है, तो सिलेक्ट मेथड में, पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना एक्सिस बैंक, HDFC, पेटीएम एंड यहाँ पे तीन में से, तो जिसमें पेटीएम सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्डिंग टू पेटीएम, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको पिन डाल के रिचार्ज कर लेना है एंड तुरंत जो आपको सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आपको रिवार्ड्स या कैशबैक चाहिए तो आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक मेरा सिलेक्ट हो गया है एंड गूगल पे मैं दिखा रहा हूँ, पे बिल पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑन कर लेना है एंड उसके बाद आपको पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है एंड
देखिए मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेता है कन्फर्म होने के लिए एंड आप देखोगे यहाँ पे पेड हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है आपका ब्रॉडबैंड का रिचार्ज कर सकते हो आपका मोबाइल से एंड बिल्कुल ही आप रिवर्स एंड कैशबैक भी जीत सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।